देखो बाहर क्या हो रहा है, इधर दिखाओ रही सब। तो देखो यार फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। तो देखो हम लोग ये जो पहाड़ दिख रहा है ना छोटा सा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो अभी हमारा प्लान है, यहीं से निकलेंगे हम लोग सतबरवा डैम। आज हमारा प्लान बना, सुबह सुबह ऋषभ फोन किया, तो आज काफी बिजी प्लान था लेकिन अचानक से हम लोग सब फ्री हो गए एकदम से। तो हम लोग का प्लान बन गया कि चलो सतबरवा डैम घूमते हैं जो डाल्टनगंज से थोड़ा सा दूर पे है। आप लोग काफी लोग जानते भी होंगे, 40 किलोमीटर मतलब यहाँ से वही 40 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से चलेंगे सतबरवा डैम और आप लोग तो काफी देखे भी होंगे और जो नहीं देखे होंगे उन लोग को हम दिखा देंगे। तो फिलहाल अभी हम और ऋषभ हैं, एक दोस्त है आशीष वो चलेगा और देखते हैं कोई और चले, कोई और फ्री रहे तो उठा लेंगे। तो गाइस आशीष को पिकअप कर लिया है और फिलहाल हम लोग अभी तीन ही लोग जा रहे हैं, हम हैं, ऋषभ है और आशीष है। और रास्ता में मैं भी एक दोस्त को कॉल किए हैं, मे भी वो साथ में आ जाए अगर वो फ्री होगा तो। देखो बाहर क्या हो रहा है, इधर दिखाओ ऋषभ, बारिश स्टार्ट हो गया है। हमारा प्लान था कि हम लोग आएंगे बाइक से, खास करके आशीष जो है पीछे उसका प्लान था कि हम लोग बाइक से आएंगे। अभी इससे बोला कि भाई पानी का मौसम है, बारिश हो सकता है, तो थैंक गॉड हम लोग कार से आ रहे हैं, नहीं तो हालत देखो क्या हो जाता। मौसम बहुत जितने रेडी ये देखो ये मौसम है, जितने रेडी होकर निकले थे ना सारा बर्बाद हो जाता अगर बाइक से आते। तो काफी अच्छा मौसम है, मजा आ रहा है। Timing now, we fuel the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough. तो देखो यार फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सतबरवा डैम पे। यहाँ का सीन आप लोग को दिखाते हैं, देखो ऐसे यहाँ का सीन है। अभी पानी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, पहले ये सब कुछ नहीं दिखता था, पूरा भरा हुआ रहता था। बट पलामू का गर्मी तो आप लोग को पता ही है, उसके चलते पूरा सूख चुका है। बीच वाला जो दिख रहा है ना वो भी थोड़ा सा दिखता था, मतलब दिखता था लेकिन जो मट्टी दिख रहा है ना वो चीज़ नहीं दिखता था। तो देखो यार यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ जितना पीछे आप लोग को दिख रहा है ना, जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो ये सब कुछ बना हुआ नहीं था, अभी जस्ट बना है। कार वहाँ पे पार्किंग में पार्क कर दिए हैं और कुछ ऐसा सीन है यहाँ से देखो, ये सब हाल ही में बना हुआ, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना तो ये सब नहीं बना था। तो यहीं पे शायद बोटिंग होता है यहाँ पे, तो देखते हैं बोट आएगा तो बोटिंग करेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। देखो यार जहाँ पे बैठा था वहाँ पे आ गए, इतना सारा लगा हुआ है लाइन में, इन्हीं में से किसी एक में अभी घूमेंगे और बाकी देखो बाकी में तो घूम रहे हैं सब। तो देखो यार हम लोग ये वाला बोट से भी जा रहे हैं, प्लान उस बोट का था लेकिन यहाँ पे इन लोग का नियम चलता है लाइन बाय लाइन, पहले वो बोट फिर ये बोट फिर वो बोट, तो इतना टाइम है नहीं कि उस बोट का वेट करेंगे। तो बैठते हैं इसमें और घूमेंगे सतबरवा डैम। देखो यार हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं हम लोग सब और बोट स्टार्ट होने वाला है। देखो आप लोगों को सीन दिखाते हैं यहाँ से, देखो देखो हम लोग ये जो पहाड़ दिख रहा है ना छोटा सा, इसके गोल गोल घूमेंगे, अभी उधर से आए थे और अभी इधर से जाएंगे। देखो यार काफी मजा आ रहा है, जिस चीज को घूमने का मन कर रहा होगा डाल्टनगंज से आ जाना घूमने, बरसात का मौसम है, मौसम भी काफी अच्छा रह रहा है आजकल, ज्यादा धूप हो नहीं रहा है। तो गाइस सेवा हो गया समाप्त, हम लोग बोटिंग कर लिए, अब निकलेंगे यहाँ से थोड़ा नजारा लेने। तो यार अब निकल गए वापस डाल्टनगंज की तरफ, काफी मजा आया, काफी ज्यादा मजा आया बोटिंग में, बहुत एंजॉय किया हम लोग, मजा आया ना सबको। हमको लग रहा था कि एक आध घंटा कर ले लेकिन आकाश बोला कि लेट हो रहा चलना चाहिए, तो फिलहाल हम लोग को थोड़ा लेट हो रहा था। तो अब निकलेंगे यहाँ से, मतलब निकल चुके हैं। तो गाइस हम लोग डाल्टनगंज पहुंच गए और अब हम लोग को लग रहा है काफी भूख, क्योंकि अभी 5 बज चुका है, तो चलेंगे कोई रेस्टोरेंट और खाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे सीधा घर। तो गाइस हमारे डाल्टनगंज में ये एक नया होटल खुला है, होटल ब्लू बर्ड, जो कि कभी गए है नहीं, तो चलते हैं इसी में। तो गाइस होटल ब्लू बर्ड में एक लोचा हो गया था, जो चीज चाहिए था वो चीज यहाँ नहीं मिल रहा था और हम लोग का था कि वही चीज खाना, वहाँ पे नान अभी अवेलेबल था, अभी न्यू खुला है ना, तो फिलहाल उसके जस्ट सामने है होटल टाउन प्लाजा, वहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को डिसाइड किया था कि वही चीज खाना है। तो कुछ ऐसा हुआ था ना कि हम लोग पहले ब्लू बर्ड होटल गए, वहाँ पे नान अवेलेबल नहीं था और हम लोग को नान खाना था, फिर क्राउन प्लाजा गए तो क्राउन प्लाजा में भी नान अवेलेबल नहीं था। वापस सोचे कि चलो एक निर्वाणा ट्राई करते हैं लास्ट, वहाँ देखते हैं, तो निर्वाणा आए वहाँ पे भी नान अवेलेबल नहीं था, तो मजबूरन फिर खाएं वहीं
और अभी वहां से खा के निकले हैं तो मूड ऑफ पूरा हो गया था, इसलिए इतना भूख भी ज्यादा लग गया था ना, फिर याद ही नहीं पड़ा कैमरा उठा करके ब्लॉग बनाओ। तो फिलहाल अभी जस्ट याद आया, तो अभी बस निकले हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे घर।